दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद दो बार के ओलंपिक चैंपियन सुशील कुमार ने कैदियों के लिए कुश्ती और फिटनेस कोच के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। जेल अधिकारियों के अनुसार जेल परिसर के अंदर इस वक्त 10 कैदी उनसे फिटनेस ट्रेनिंग ले रहे हैं। इससे पहले वे अपनी कोठरी में ही व्यायाम करते थे और JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद जैसे कुछ कैदी कथित तौर पर उनके साथ प्रशिक्षण ले रहे थे। जेल अधिकारी ने बताया कि जेल की एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के हिस्से के रूप में कैदियों के लिए उनकी फिटनेस क्लास पिछले सप्ताह से औपचारिक रूप से शुरू हुई है। अधिकारी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ट्रेनिंग की संख्या में भी इजाफा होगा। जेल अधिकारी कैदियों को गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वे अवसाद में ना पड़े। इस बीच कैदी उत्साहित हैं क्योंकि एक सेलिब्रिटी उन्हें प्रशिक्षण दे रहा है। बीजिंग और लंदन ओलंपिक्स में पदक जीतने वाले पहलवान सुशील कुमार पर छत्रसाल स्टेडियम में 23 साल के पहलवान सागर धनखड़ की हत्या का आरोप है।